आंटी, जय कृष्ण। इससे पहले कि आप संगत स्टार्ट करें, गुरु हाँ जी जी महाराज अपने जीवन काल में उषा सिंह आंटी जो कि गुरु संगत हैं, हाँ उन्हें जी कहा था, एक वचन बोला हाँ था, जी हाँ जी तू डाउट करती रहनी है, इसे हाँ डाउट जी का काम नहीं, इसे हाँ सब कुछ जी है। आंटी, हाँ जी इस वचन को प्लीज 2 मिनट के लिए नरेट करके अपनी संगत स्टार्ट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु जी को शुक्राना। आज के स्पेशल इमोशनल डे पर गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी, इसीलिए क्या आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं कैसे एक्सप्रेस भी कर सकूं इस चीज़ को। मुझे नहीं पता, हर चीज़ तो गुरु जी कराते हैं, उनकी मर्जी, उनके टाइमिंग्स, हम होते ही कौन है कुछ करने वाले। ये मेरा पहला ऑनलाइन सत्संग है बाय द वे। सत्संग तो बॉम्बे में, बाय द वे मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं डॉक्टर रिंकू कालरा हूँ, दुनिया के लिए डॉक्टर हूँ, गुरु जी के लिए रिंकू कालरा, या वो चाहे जो भी नाम से मुझे बुलाते हो या कहते हो। मैं बॉम्बे से हूँ बेसिकली, और गुरु जी जब चोले में थे तो मैं 4 बार उनसे मिल चुकी हूँ। ये भी मुझे ताज्जुब होता है कि इतने ब्लेस्ड सोल्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पर, जो गुरु जी के समय की संगत है, जैसे जनरली ओल्ड संगत न्यू संगत के क्लासिफिकेशन को मैं भी नहीं मानती, बट यस, ओल्ड संगत जो बड़े ब्लेस्ड सोल्स हैं, जो सालों साल गुरु जी के साथ उनका उठना बैठना रहा है, उनके साथ मिले हैं। मैं अब उतना तो नहीं मिली गुरु जी के साथ, मेरे बॉम्बे से आने में 4 मीटिंग्स हुई थी मेरी गुरु जी के साथ, बट यस, वो डिवाइन एक्सपीरियंसेस मैं नहीं भूल सकती। और तब से मेरी जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि थोड़े मैं ऑफकोर्स आज आपके साथ शेयर करूंगी। आपने अंकल कहा था वचन के बारे में बताने के लिए, पर थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी, मैं ये वचन ऐसा है आंटी, आज का वचन। हाँ जी आंटी आपने 1 मिनट के लिए वचन की व्याख्या करनी है, इसके बाद में मैं उषा सिंह आंटी हाँ भी जी अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे, 2 मिनट के हाँ लिए जी उषा सिंह आंटी भी इसकी व्याख्या करेंगी, उसके बाद हाँ जी आप कंटिन्यू शेयर कर सकती हैं प्लीज। आंटी, आप प्लीज, उषा आंटी जी, आप प्लीज बता दीजिए, क्योंकि मेरे तो हर सत्संग में जो भी मैं आपको आज अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, वो सारे के सारे वही हैं कि गुरु जी ने मुझे यही बार बार बताया है कि तुझे डाउट नहीं करना है, तुझे प्रैक्टिकली मैं सब दिखा रहा हूँ। मेरा तो हर एक्सपीरियंस वही कहता है, चीख चीख कर वही कहता है। पर आंटी प्लीज, आप मुझसे ज्यादा गुरु जी के साथ रही हैं, तो आप प्लीज इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु आंटी, जी हम सारे ही बराबर हैं, कोई नहीं ज़्यादा कुछ, बस गुरु जी ने जिसको जो समझाना है वो गुरु जी ही अपने आप समझाते हैं। और आज के दिन थैंक यू सो मच सुरेश अंकल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और गुरु जी को शत शत नमन, और उनको आज उनकी यादों में ये सारा जीवन यूं ही बीत रहा है और बीतेगा आगे भी, और उनको सबसे ज्यादा दिल से आज समर्पित करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारी इस जिंदगी में और हमें किस तरह से अपने पास बुलाने के लिए और अपनी शरण में रखने के लिए उस समय भी और अभी भी और सारी जिंदगी यूं ही रखेंगे वो। तो उनको ये कहते हुए आज बहुत ही याद वाला दिन है, याद तो हमेशा ही आती है पर आज स्पेशल है क्योंकि आज 15 साल हो गए पूरे, और हर पल हर क्षण गुरु जी का चेहरा आंखों के सामने ही रहता है हर जगह। ये दिमाग तो कहता है गुरु जी हमेशा हर पल साथ हैं, पर ये दिल जो है वो कहता है कि उनको देखना चाहते हैं, उनकी स्माइल देखना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं। तो ये दिल और दिमाग का द्वंद यूं ही चलता रहता है हर पल हर क्षण। तो यही कहते हुए मैं ये जो मेरा आज का वचन अंकुर ने आज किया है, तो उसके लिए बस मैं ये कहूंगी कि ये सबसे पहला दिन मेरा था December 28, 1998, और इस दिन गुरुजी
मेरे भाग उदय हुए होंगे कि गुरुजी के दरबार में जाने का सौभाग्य मिला और गुरुजी का दर्शन किया जो स्वयं महादेव, और मैं उनकी तरफ देखती जा रही थी क्योंकि हम अपनी बेटी की एस्मा की प्रॉब्लम के लिए गए थे और मैं सोच रही थी कि ये इतने यंग से डैशिंग प्रिंस की तरह बैठे हैं, ये कैसे हमारी बेटी को ठीक करेंगे, क्योंकि हम तब तक बहुत जगह भटक चुके थे, बहुत जगह जा चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि हमारा दिस इज़ माई ओनली होप। और वहाँ बैठ करके मैं चारों तरफ देख रही थी कि यहाँ सब सिस्टम ही डिफरेंट था मेरे लिए, और मैंने कुछ और सोचा था और सब कुछ उल्टा लगा वहाँ पर। तो एज यूजुअल पहली बार जो जाता है थोड़ा सा डाउट लेके जाते हैं हम सारे, क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कितने जन्मों के, सब उल्टे पुल्टे। वो गुरुजी उन्हीं को ठीक करने के लिए बुलाते हैं। तो जब गुरुजी को मैं देख रही थी तो मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि इतने यंग डैशिंग ये कैसे मेरी बेटी को ठीक कर रहे थे, मैं डाउट कर रही थी। और गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया और मेरे से कहा, आंटी तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। और मैं रोने लगी क्योंकि आप जब भगवान के सामने बैठते हो तो उनकी एनर्जी, उनका ऑरा ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता है, खाली आंसू ही निकलते हैं। तो वही मेरी दशा थी। और वो आगे का सत्संग आप सबको मालूम ही होगा। तो बस आज ये वचन पर ही मैं ज़्यादा व्याख्या मैंने जो करी है, यही कि मेरा और गुरु जी के यहाँ तो आप सोचिए कि प्रैक्टिकल वो करते थे, जो उन्होंने कहा मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, हम लोगों के सामने उन्होंने हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाई है। कभी गुरु जी प्रवचन ही देते थे सब कुछ साइलेंस में, और गुरु जी ने कभी किसी चीज़ का श्रेय नहीं लिया, किसी चीज़ को उन्होंने ओन नहीं किया कि मैंने ये किया है या मैंने ये किया है। और हम सब कलयुग की जीव तो थोड़ा सा कुछ करते हैं और इतना अहम आता है। तो ये बहुत अच्छी सीख है गुरु जी महाराज से, अगर हम सीख पाएं कि सबसे पहले अपने अहम को पीछे हटा करके, और जैसे गुरु जी एकदम नीवा होते थे, गुरु जी इतना प्यार करते थे, तो ये गुरु जी की सीख अगर आज के दिन हम प्रण दें कि हम अपने ये विकार को हटाएंगे और गुरु जी जो सिखाना चाहते हैं वो सीखेंगे, तो ये गुरु जी का मैं तो कहूँगी ये तो आज याद का दिन है। महासमाधि कहते हुए भी मुझे मन में चोट होती है कि गुरु जी कहाँ समाधि में है, गुरु जी तो यहीं हैं, यहीं हैं, यहीं हैं, और हमको हर पल याद ही करते रहते हैं। तो वो पल वोचन मैं तो वो सोचना ही नहीं चाहती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, बस उनकी बढ़ियाई, उनकी सीख, उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी जो उनका जो प्यार है वही संगत में यूं ही हमेशा बरसता रहे, और गुरु जी हमेशा हम सबको सही रास्ता दिखाते रहें। यही कहते हुए जय गुरु जी आंटी, प्लीज़ आप अपना सत्संग शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी आंटी। तो मैं समझ रही हूँ जो इमोशंस हम सबके दिल में आज हैं, पर गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हमारे बीच में हैं। जहाँ संगत इकट्ठी होती है या संगत एक दूसरे से गुरुजी के बारे में जब भी बात करती है या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हम गुरुजी बिल्कुल हमारे करीब बैठकर सुन रहे होते हैं। इनफैक्ट जो भी संगत हैं, जो वो सब जानते हैं कि जब हम अपने एक्सपीरियंसेस नरेट करते हैं वो हम नहीं नरेट कर रहे होते, ये गुरुजी करवाते हैं। तो जो आज भी मैंने कहना है, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है, पर मुझे श्योर है कि गुरुजी ने किसी को कोई ना कोई मैसेज देना होता है तो कोई कारण होता है, किसी के कुछ आंसर्स देने होते हैं गुरुजी को। तो हम सिर्फ मीडियम बनते हैं, करवाने वाले गुरुजी हैं, हर चीज उन्हीं के कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो गुरुजी तो भगवान है, तो अब जो भी गुरुजी बुलवाएंगे। तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी कि
भाटिया आंटी को सब जानते हैं, तो भाटिया आंटी ने 2002-2003 में सबसे पहले गुरु जी का स्वरूप हमें दिया था और उनके बारे में बताया था। तो तब हमें यकीन नहीं होता था, हम यही जैसे यूजुअली हम कह देते हैं कि कौन गुरु क्या गुरु, करीबी लोग होते हैं कई, तो क्या किसको मान रहे हैं ये, क्यों हम जाएं इनके पास, हमें नहीं विश्वास होता था। तो बिल्कुल गुरुजी को पता कब कैसे किसको कनेक्ट करना है, और वैसे भी इस जन्म से नहीं, हम तो कई जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, कोई किसी रूप में भगवान को मानते हैं, कोई किसी रूप में, तो मैं गणेश जी को मानती थी और मैं नहीं मानती थी कि मैं गणेश जी के अलावा और किसी को एक्सेप्ट भी कर सकूंगी, चाहे शिव जी उनके फादर हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, बट फिर भी मुझे लगता था गणेश जी ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। पर गुरु जी ने, जैसे आंटी ने कहा, हमारे सारे डाउट क्लियर करने हैं, हमारे मन में कुछ नहीं रखते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हो गई तो मुझे उन्होंने ये भी बताया कि मैं ही गणेश जी हूँ। वो एक अलग सत्संग है, वो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं ये बता दूं कि 2002-2003 में भाटिया आंटी जब शायद गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई थी, मैं ईयर को लेकर गलत भी हो सकती हूँ, बट आई बिलीव यही टाइम था जब हमें ये स्वरूप जब आंटी ने दिया था कि आप अपने घर में इसे अपने मंदिर में इस स्वरूप को रख लेना। पर somehow ifs buts doubts वो मन में चल रहे थे, हमने वो स्वरूप को अंदर अलमारी में रख दिया। हमने उसके बारे में फिर सोचा नहीं कि ये स्वरूप है। अब हमें नहीं पता था कि उस स्वरूप का करना क्या है, मंदिर में हमने रखा नहीं। फिर 2006 अक्टूबर में जब भाटिया आंटी की डॉटर भावना आंटी जब मैंगलोर में MBS कर रही थी, और भाटिया आंटी ने जाना था उनको गाड़ी देने के लिए दिल्ली से, तो जैसे उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली कि हम कुछ दिन आएंगे नहीं और हम मैंगलोर जा रहे हैं बेटी के पास, तो गुरुजी ने उनको कहा था कि तुम रुकते रुकते जाना। रुकते रुकते जाने का मतलब भाटिया आंटी को लगा कि शायद ये हमें, जैसे उनका जो भी प्लान रहा होगा राजस्थान वगैरह हॉल्ट करके कुछ टूरिस्ट प्लेसेस जाने का, तो उनको लगा कि गुरुजी तो सब जानते ही हैं तो उनको पता होगा कि हमारा ये कुछ प्लान है, तो उन्होंने कह दिया ठीक है रुकते रुकते जाना। उनका बॉम्बे आने का कोई प्लान नहीं था और मैंगलोर जाना था उन्होंने। समहाउ वो कुछ रस्ते मिस कर गए, कुछ रस्तों पे बहुत बुरे ट्रैफिक जैम्स में फंस गए, और सडनली उनके दिमाग में गुरुजी ने ये आइडिया डाल दिया कि आप बॉम्बे चले जाओ। जब भाटिया आंटी बॉम्बे आई, हमारे घर आई, तब उन्होंने आकर बताया यही सब हुआ है, और गुरुजी ने कहा था रुकते रुकते आना, और सडनली उनको रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने ये तो नहीं कहा था कि तुम बॉम्बे होते हुए जाना, और समझ में नहीं आया हमें। खैर तब उन्होंने देखा कि हमने वो गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में नहीं रखा हुआ। तो वो तो गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर, और उनको ये चीज थोड़ी खराब लगी होगी कि आपने स्वरूप को कहाँ रखा हुआ है, अपने मंदिर में क्यों नहीं रखा। तो हमने जो उनके हाथ में स्वरूप दिया जो उन्होंने बहुत पहले हमें दे दिया था, आंटी ने वो स्वरूप को हमारे घर के मंदिर में स्थापित किया। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे सत्संग किए, इतने सारे सत्संग कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला। रात के 4-5 बजे तक हम बैठकर गुरुजी के सत्संग सुन रहे थे आंटी से। तो वो सत्संग सुनते सुनते, सच मानिए वहां कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि कहीं कोई फ्रेग्रेंस आए, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही, और आंटी यही कहती नहीं देखो गुरुजी हैं, यहाँ पर हैं, आपको फेथ रखनी है, गुरुजी आपके घर हैं, सुन रहे हैं ये सारे सत्संग, आप एक बार चलो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, देखो हम इंसान हैं, हमें कोई शक्ति की, कोई सहारे की जरूरत होती है जब हम किसी बुरे वक्त को काट रहे होते हैं, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा बुरा वक्त चल रहा था जिसके वजह से हम लॉस्ट थे, हमें नहीं पता था। तो वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो हमने सोचा चलो अब वो इतना कह रही हैं, इतने सत्संग सुनाए हैं, तो हम भी हो आते हैं एक बार गुरुजी के पास, शायद हमारा काम बन जाए, शायद ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। तो
तो 2006 अक्टूबर में जब वो मैंगलोर चली गई, फिर वो दिल्ली चली गई, मैं खैर मैंने तब अपना BDS कंप्लीट किया हुआ था 2001 में, मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। 2006 में मैंने सोचा था कि मैं अब MDS के एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करूंगी और उसके लिए मैं पढ़ भी रही थी और नवंबर 12 को 2006 में मेरा एम्स का एग्जाम था। तो भाटी आंटी एक्चुअली मेरी मासी लगती हैं, तो मासी जी ने कहा कि मैं जब एम्स के लिए जाऊं तो मैं गुरुजी से मिल लूं, तो एम्स एग्जाम से पहले। तो मेरा फर्स्ट वो ब्लेस्ड डे, मेरी जिंदगी का सबसे करीबी दिन 11 नवंबर 2006 जब मैं पहली बार गुरुजी से एम्पायर एस्टेट में मिली, वो मोमेंट ही कुछ खास था। आप सब जानते हो वो मोमेंट, जब आप गुरुजी को देखते हो, गुरुजी के ऑरा को देखते हो, आप भूल जाते हो कि आप कौन, आपको नहीं समझ में आता कि आप कहाँ आ गए। एक डिवाइन पावर, इतनी सुंदर शक्ति, इतनी गहरी शक्ति की वर्ड्स में मैं बयान नहीं कर सकती। पर जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट के बाहर पहुंची, मासी जी खड़ी हुई थी बाहर, तो उन्होंने कहा जल्दी अंदर चलो, गुरुजी कैजुअल्स में हैं, बहुत कम मिलते हैं, गुरुजी कैजुअल्स में चलो। तो मैं भागते हुए गई, मुझे नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या होता है। गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे, मैंने मत्था टेका और भाटिया आंटी ने उनको बताया कि ये मेरी कजिन की बेटी है, बॉम्बे से आई है, इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। गुरुजी ने पंजाबी में कहा, मैं खैर पंजाबी नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं जो गुरुजी ने कहा वो यही कहा था कि मैं सब जानता हूँ, इन्हें कहो कि ये ऊपर चली जाएं, समाधि लगा कर बैठ। मुझे पहले ही दिन गुरुजी ने फर्स्ट फ्लोर पर एम्पायर एस्टेट के मंदिर में बैठा दिया, समाधि लगाने के लिए कहा। मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव पर्सन नहीं थी उस टाइम पर, मुझे नहीं पता था समाधि लगाना किसे कहते हैं। मैं शब्द सुनते सुनते, मुझे नहीं पता मैं कौन से वर्ल्ड में चली गई, एक ट्रांस जिसे हम कहते हैं, कुछ अजीब सी दुनिया, एक अलग ही दुनिया। मुझे भगवान ने जैसे कोई कैलाश पर्वत के दर्शन, कुछ अलग अलग सी चीज़ें दिखाई जो मैं बयान नहीं कर सकती, बट बस मेरे आंखों में से आंसू निकले जा रहे थे। उतना मुझे पता था कि मैं सिर्फ रोई जा रही थी, मुझे ऐसे लगा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया नहीं, मैं रो नहीं रही, पर ये तो कुछ अलग है, जैसे कि अंदर से कुछ, मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, कुछ साफ हो रहा है, कुछ अलग सी घटना हो रही है जो आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुई। और एक शब्द मुझे नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं, कौन से शब्द चल रहे थे, क्या चल रहा था। पंजाबी मुझे बहुत ज्यादा आती नहीं, बीइंग अ पंजाबी स्टिल बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बहुत ज्यादा पंजाबी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं आया था, पहली बार शब्द सुन रही थी। कुछ शब्द के मीनिंग समझी, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिल के करीब लगा वो ये लगा कि तुम एक कदम गुरु के आगे बढ़ाओ, गुरु तुम्हारे आगे 100 कदम बढ़ा के आ जाए। और इसके पहले का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आपके लाइफ में गुरु की बहुत महत्वता है और गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये वंडर करती थी कि मेरे पास तो कोई गुरु है नहीं, और जो गुरु टीवी पर दिखते हैं वो तो पद है नहीं, तो मुझे गुरु कैसे मिलेगा, और मैं गुरु को कहाँ ढूंढूं, और मुझे, मैं अपना जन्म सार्थक कैसे करूं, और मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मुझे भी गुरु चाहिए। मैं भगवान के आगे, अपने गणेश जी के आगे कहती थी, गणेश जी गुरु क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे बताओ गुरु, मुझे गुरु चाहिए। तो मैं तो मन में मांगती थी गुरु, लेकिन शायद गुरु जी ने ये बात सुनी ली थी। तो कहते ना गुरु खुद अपने शिष्य को ढूंढता है, तो वैसे ही गुरु जी ने खुद मुझे अपने पास बुलाया। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं गुरु जी के पास गई। नेक्स्ट डे एम्स का एग्जाम था, और इसमें भी एक सत्संग है, मैं उस समय एम्स का एग्जाम जो देने जा रही थी, तो बॉम्बे में बोरीवली स्टेशन पर हम वेट कर रहे थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, ये हम पश्चिम एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे। सो मैं अपनी हॉल टिकट एग्जाम के लिए जो चाहिए वही इम्पोर्टेंट चीज भूल आई थी घर पर, जल्दी जल्दी में टेंशन में मैं अपनी हॉल टिकट भूल आई थी। ऑफकोर्स विदाउट हॉल टिकट आप एग्जाम के लिए अपियर नहीं कर सकते, वो भी एम्स के एग्जाम। सो
मेरे फादर को वो अगर हॉल टिकट मुझे देने आना था तो उसके लिए 45 मिनट्स का टाइम चाहिए। गुरुजी ने वहीं से प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, वहीं से दिखाना शुरू कर दिया कि देखो ये हूं मैं। अब होता यह है कि सडनली मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं, अरे हॉल टिकट तो रख ली? तो मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूं, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लूं, शायद मैंने रखी नहीं है या रख ली है, आई डोंट नो। मैंने देखा मेरे बैग में हॉल टिकट नहीं। मैंने घर फोन किया, मैंने कहा पापा मैं तो हॉल टिकट भूल गई हूँ, आप प्लीज आ जाओ। ट्रेन को आने में सिर्फ बाय द रेलवे शेड्यूल टाइम वो 12:10 पर बोरिवली स्टेशन टच करती है, और तब बजे हुए थे कुछ अबाउट 12 में शायद कुछ मिनट्स कम थे। सो फिर पापा ने बोला लेकिन तेरी जो ट्रेन मिस हो जाएगी या तेरी हॉल टिकट मिस हो जाएगी, तो नहीं हो सकता। मैंने पापा यू ट्राई, तो पापा ने स्टार्ट किया वहां से हॉल टिकट ढूंढा पहले जाकर, और हमें यहाँ स्टेशन पर खड़े हुए पता चलता है कि पश्चिम एक्सप्रेस वेस्टर्न रेलवे हैज नेवर कमिटेड दिस ब्लंडर एज फार एज माई नॉलेज गोज। पश्चिम एक्सप्रेस को गलत ट्रैक पे निकाल दिया बांद्रा टर्मिनस से, और वो ट्रेन रॉन्ग ट्रैक पे चलते हुए जब उन्हें ये लगा कि ये ट्रेन गलत ट्रैक पे चल रही है, उसको फिर से टर्मिनस पे पहुंचाया गया और फिर से उसे वहां से निकाला गया। इस चक्कर में वो ट्रेन 45 to 50 minutes लेट हो गई, और ये ट्रेन जो कभी मोस्टली अनलेस अनटिल मानसून हो बॉम्बे में कभी लेट नहीं चलती, ये ट्रेन को गुरुजी ने पहले ही लेट करा दिया ताकि मेरी हॉल टिकट मेरे पास पहुंचे। खैर बहुत अच्छे टाइम मार्जिन से मेरी हॉल टिकट मेरे पास पहुंची, और मैं जैसे मैंने कहा 11 नवंबर को जब गुरुजी के पास पहुंची, वो समाधि मैं जो समाधि में बैठी, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, विश्वास तो वहां से होने लग गया था कि हाँ गुरुजी तो हैं, कोई बड़ी शक्ति है। पर भगवान मानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं गणेश जी के चक्कर में थी। अब मुझे ये गुरुजी को प्रैक्टिकल करके दिखाना था ना कि देखो मैं ही हूँ सब कुछ। तो मैंने एग्जाम दिया, मैं बॉम्बे आ गई। मेरा नेक्स्ट एग्जाम था अगेन ऑल इंडिया का, जो कि 14 जनवरी को था। उसके बाद हर संडे को एक एक एग्जाम था जो मेरे MDS के एंट्रेंस के लिए अलग अलग, अब तो खैर नीट हो गया है, लेकिन पहले बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स अपने अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स रखते थे। महाराष्ट्र स्टेट का अपना एग्जाम होता था, ऑल इंडिया का अपना एग्जाम होता था। तो इन दैट प्रोसेस एवरी संडे जनवरी में मेरा कोई ना कोई एग्जाम चल रहा था। 14 जनवरी का एग्जाम था, और मैंने एग्जाम का पेपर लिखने से पहले मन ही मन समहाउ प्रे कर लिया कि अगर कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि मेरे लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। मेरी पर्सनल लाइफ वैसे ही खराब चल रही है, कम से कम प्रोफेशन तो मेरा आगे बढ़ा दो, मेरा कुछ तो कुछ हो जाए, क्योंकि मैं एज ए BDS प्रैक्टिस जो कर रही थी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। डेंटिस्ट मुझे कभी बनना नहीं था, मुझे हमेशा से सर्जन बनना था, और MDS करके मैं सर्जन बनना चाह रही थी। तो अब होता ये कि ऑल इंडिया का एग्जाम देकर जब मैं बाहर निकलती हूँ, मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे कुछ पेपर्स कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, और मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया नहीं। पूरे रास्ते मैं घर पहुंचते पहुंचते रोते हुए कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, और नेक्स्ट वीक मेरा महाराष्ट्र CET था तो वो भी खराब हो जाएगा इस चक्कर में। बहुत मुश्किल से संभालती गई अपने आप को, और नेक्स्ट एग्जाम फिर से दिया। खैर इस सब के प्रोसेस में जब फरवरी में मेरा एक और एग्जाम होना था, तो 2 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ महाराष्ट्र का। सो उसमें गुरुजी ने मेरा रैंक 2nd इन स्टेट, फर्स्ट रैंकर और मेरे मार्क्स सेम थे, लेकिन कुछ टाई ब्रेकर्स होते हैं जिसके वजह से मैं 2nd हो गई। तो एनीवेज मार्क्स वाइज मैं बराबर उसी फर्स्ट रैंकर के हिसाब से, और मैं जब ये जान बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे बहुत सारा बोलना है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रही हूँ। तो जब मुझे ये पता चला कि मैंने इतना बड़ा रैंक अचीव किया है, मैंने तो क्या गुरुजी ने दिया था, सो मैं पूरा अविश्वास में थी कि नहीं ये शायद गलत कुछ टाइप हुआ है या कुछ कुछ हुआ है, क्योंकि
एक 6.5 years के एकेडमिक ब्रेक के बाद, जब मैंने 2001 में अपनी BDS कंप्लीट की थी, उसके बाद 2007 में ये चीज मेरे साथ होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया मानेगी भी नहीं और मैं भी नहीं मानने को तैयार थी कि इतना होने के बाद आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पर आपके पास 14-15 सीटें होती हैं, आप उसमें स्टेट टॉप कर रहे हो, इम्पॉसिबल. सो मेरा बूता नहीं था, भले मैंने हार्डवर्क किया नहीं किया वो अलग बात. सो फिर जब मुझे लगा कि नहीं ये मेरा रैंक है ही नहीं, तो मैंने दूसरे 2-3 फ्रेंड्स से चेक करवाया, कहते हाँ भाई तुमने ही टॉप किया है, चलो. फिर मैं भागी भागी गणेश जी के मंदिर में, और इतने में मम्मी ने भाटिया आंटी को फोन करके कहा, भाटिया आंटी कहती हैं अरे तुम कौन से मंदिरों के चक्कर में पड़ रहे हो, फिर से सारा समझाना पड़ेगा क्या. अच्छा फिर हुआ ये कि उस समय महाशिवरात्रि आ रही थी, तो somehow भाटिया आंटी के कहने में मुझे लगा हाँ चलो गुरु जी को थैंक्स तो बोलना बनता है. अब मैं शिवरात्रि है तो मैं जाती हूँ दिल्ली और गुरु जी को थैंक क्यों बोलते थे. तो महाशिवरात्रि के एक दिन पहले जब हम एम्पायर स्टेट गए, मेरी मम्मा भी चली थी साथ में, तो हम गुरु जी से जब मिल रहे थे तो मैं आगे थी भाटिया आंटी के साथ में गई, तो उन्होंने बताया गुरु जी को इसके साथ एक मिरेकल हुआ है गुरु जी. तो गुरु जी कहते हैं अब और मिरेकल्स देखे जाओ. और फिर जब मेरी मम्मा ने उनके मत्था टेका तो गुरु जी ने कह दिया कल्याण किया. अब उस समय हमें नहीं समझ में आती थी इस सब की मीनिंग, हमें लगा हाँ ये कुछ तो कहने के लिए कह रहे हैं. खैर फिर मेरी तीसरी मुलाकात गुरु जी से महाशिवरात्रि के दिन पे हुई 2007 में, अगेन अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस. महाशिवरात्रि के बाद हम बॉम्बे के लिए निकले और फिर मुझे पता चला कि ऑल इंडिया का रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें मैं पूरे रास्ते रोते रोते आ रही थी और उम्मीद से कोई मतलब दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था मेरा क्रैक करने का. और मुझे ये पता चलता है कि मैं ऑल इंडिया में 17th हूँ रैंक वाइज. तब मुझे गुरुजी के वर्ड्स याद आए कि और मिरेकल्स देखे जाओ. तो मुझे तब गुरुजी ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अब तुम डाउट करना बंद कर दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सिर्फ तुम विश्वास रखो. और उसके बाद वो देयर वाज नो लुकिंग बैक. मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी और धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने लगे. उसी के बाद का एक सत्संग है, मम्मी के बैक पर एक बहुत बड़ा, अब करीब करीब 10 cm by 10 cm जितना बड़ा, एक बहुत बड़ा पस ड्रेनिंग, जिसको हम अपनी भाषा में डॉक्टर्स कहते हैं कार्बंकल, जो कि जनरली डायबिटिक्स में होता है. और जैसे चाय की छन्नी होती है उतने सारे पोर्स होते हैं जिसमें से पस ड्रेन होती है, और विदाउट सर्जरी, विदाउट प्लास्टिक सर्जरी वो हील नहीं होता. मम्मी ने कहा मैं एक एनेस्थीसिया और लेने के कंडीशन में नहीं हूँ, और गुरुजी से प्रे करने लगी कि मुझे सर्जरी बचा लो. मम्मा की रोज ड्रेसिंग्स मैं करती थी और 6-6 times हम ड्रेसिंग चेंज करते थे. इतनी पस निकलती थी कि बिस्तर गंदा हो जाता था. हम बिस्तर के मतलब ड्रेसिंग और बिस्तर के बीच में इतने मोटे पैड्स रखते थे ताकि वो पस गद्दे को ना खराब कर दे. इतना सारा पस निकलना और मम्मा की ये जिद कि नहीं मैं तो सर्जरी नहीं कराऊंगी, गुरुजी ने ठीक करना होगा तो मुझे ठीक करेंगे. और उस समय गुरुजी का स्वरूप जो हमारे घर में था, मुझे भी लगता था कि कुछ गुरुजी के फेस पर कुछ लाली सी और अजीब सी कुछ मुझे फील होने लगा, कुछ स्वरूप में कुछ है, कुछ जैसे गुरुजी अपने भक्तों की, अपने संगत की परेशानियां अपने शरीर पर ले लेते थे. ये एक महासमाधि लेकर गुरुजी की कम से कम ये परेशानी खत्म हो गई. बेचारे जो अपने शरीर पर अपने भक्तों की परेशानियां लेते थे, कम से कम उनको वो चीज अब नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तो वो पहले भी प्रोटेंट ओमनीप्रेजेंट थे, अब भी हैं. लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता था कि हमें तब नहीं समझ में आती थी जब हम ये कह देते थे गुरु जी ये देख लो, गुरु जी ये कर दो, और गुरु जी अपने शरीर पर दूसरों के दुख दर्द ले लेते थे. पर anyway, हमें नहीं पता था, इसलिए हमने इस तरह से प्रे कर ली कि मम्मी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए. और खैर वो ठीक हो गई विदाउट एनी सर्जरी, जय गुरु जी, बिकॉज गुरु जी हैं. और फिर उसके बाद 30th of May 2007
31 मई और 30 मई के बीच वाली रात मुझे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिया। उस दर्शन में ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो गुरुजी कहीं जा रहे हैं, गुरुजी सफ़ेद चोले में थे और गुरुजी कहीं जा रहे थे। मैंने कहा, गुरुजी आप कहाँ जा रहे, मुझे बात करनी है आपसे। गुरुजी कहते हैं मुझे जाना है। मैंने कहा, नहीं गुरुजी आप मुझे सुन तो लो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्यों जा रहे हो, पहले मेरी बात सुनो, प्लीज सुन लो। गुरुजी कहते हैं नहीं मुझे जाना हो। तो मैंने कहा, गुरुजी प्लीज सुन लो ना। कहते हैं श्रद्धा रखो और श्रम करो, मुझे जाना हो। और गुरुजी डिसअपियर हो। मुझे तब नहीं समझ में आया कि ये अजीब सा ड्रीम मुझे क्यों आया, पर क्योंकि भाटिया आंटी ने बताया था कि जब गुरुजी का ड्रीम होता है तो गुरुजी साक्षात वहां होते हैं और आपको मंत्र जाप करना। मैंने वही किया। 31 मई मेरा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू होने वाला था, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे मिला, जैसे मैंने आपको बताया रैंकिंग एंड दिस दैट। मेरा पहला दिन, मेरा कॉलेज का पहला दिन, और मैं रस्ते में थी, बस कॉलेज पहुंचने वाली थी, भाटिया आंटी का फोन मेरी मम्मी पे आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी को एम्स ले गए हैं, गुरुजी के लिए प्लीज प्रे करो, वो बहुत खराब हालत में है और प्रे करो। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है, मतलब मैं बॉम्बे में हूँ, मैं गुरुजी को ज्यादा जानती नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि क्या कैसे प्रे करो, किसको प्रे करो, जब वो महाराज खुद ही भगवान है, महाशिव है, अब मैं किसको प्रे करूँ, क्यों प्रे करूँ, और क्यों खुद से ठीक नहीं हो सकती, और इतना क्यों उन्होंने दूसरों की तकलीफ अपने शरीर पर ले ली कि उन्होंने ये दिन देखना पड़ा उनको। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, समाधि वाली न्यूज मुझे कॉलेज से घर पहुंचने के बाद मम्मा ने बताई, क्योंकि मेरा कॉलेज का पहला दिन था, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। भाटिया आंटी से हमें पता चला बाद में, और जब मैं घर गई तो वो जो इमोशंस, जो आउटब्रेक था, जो हमें नहीं पता था ना कि गुरुजी ने शरीर छोड़ा है, गुरुजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उस समय तो यही सबको अनश्योर, सारी ओल्ड संगत जो है ये चीज को मानेगी कि उस समय हम सबको यही लग रहा था कि गुरुजी चले गए, हमारी लाइफ से दूर चले गए। सो बड़ा मुश्किल था वो इमोशंस को कंट्रोल करना, पर गुरुजी ने फिर धीरे 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 करके विश्वास जताया, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। इतनी फिर एक के बाद एक एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिए। फॉर एग्जाम्पल, घर में गैस लीक हो रही थी और मेरे ब्रदर और मम्मा ने इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अप्लायंस ऑन, इवन ट्यूबलाइट आप ऑन नहीं करना चाहिए आपने, कि अगर गैस सिलेंडर लीक करा है, और गैस सिलेंडर छोटा मोटा लीक नहीं था, वो सीटी वाली आवाज, इतनी बड़ी लीकेज हो रही थी। और ब्रदर ने लाइट, बीच रात में लाइट ऑन कर दी, पर गुरुजी कुछ नहीं होने दिया। और ये उस समय नहीं रियलाइज हुआ कि ये गुरुजी का करिश्मा था कि कुछ नहीं हुआ, कि हम बॉम्बे में एक सत्संग पे गए थे तो किसी आंटी ने सिमिलर सत्संग शेयर किया, तो हमें लगा अरे ऐसा तो हमारे साथ भी तो हुआ था, ये तो गुरुजी ने हमें बचाया। हम इतने मूर्ख हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता कि गुरुजी कहाँ कहाँ आपको बचा रहे हो। मैं अपनी मूर्खता बताऊं कि मैं हमेशा ये कहती थी कि बॉम्बे में जब सत्संग होते थे, मुझे सब तरह की सेवा दी है गुरुजी ने, किचन में भी मैंने लंगर भी प्रिपेयर किया है, सब तरह की जो पॉसिबल सेवाएं हैं गुरुजी ने सब कराई है, बट सत्संग शेयरिंग हार्डली एक या दो। तब मुझे लगता था कि लोग कैसे अपने सत्संग शेयर करते हैं, लोगों ने कितने बड़े बड़े मिरेकल्स देखे हैं गुरुजी जी के, मेरे को तो गुरुजी कभी चांस ही नहीं देते, मैं कैसे बोली। तब मुझे भाटिया आंटी ने बताया बातों में, अब जैसे गुरुजी कैसे कैसे प्रैक्टिकली आंसर देते, भाटिया आंटी को ये बात मैंने कभी नहीं बताई थी। बाई द वे, फोन पर बात करते करते एक बार वो ऐसे बोल गई बोलते बोलते कि हम सोचते हैं कि हमें सत्संग शेयर करना होता है, लेकिन हम क्या सत्संग शेयर करेंगे, तो गुरुजी ने कराना है। मतलब सत्संग शेयर करने के लिए मतलब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए ना, यानी कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तब तो गुरुजी उसको ठीक करेंगे, तब तो हमारे पास सत्संग बनेगा। तो हम इतने मूर्ख हैं, मतलब हम प्रॉब्लम मांग रहे हैं। तो मुझे लगा हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बाद अब मुझे ऐसा लगता है, गुरुजी कोई ना, आप मुझे प्रॉब्लम देते हो दो,
क्योंकि मैं जो जानती हूँ गुरु जी के बारे में और जितना मैंने अपनी लाइफ में गुरु जी से एक्सपीरियंसेस लिए हैं, वो ये है कि अगर प्रॉब्लम आती है संगत जी, प्लीज घबराइए मत। अगर आप गुरु को सच्चे दिल से मानते हैं तो ये सोचो कि गुरु जी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपने सबसे ज्यादा करीब रखने का ये चांस दे रहे हैं। प्रॉब्लम से क्या डरना, पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा गुरु जी हमेशा बोलते थे कि पॉजिटिव रहो। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप ये सोचो ये गुरु की मर्जी है। वो बोलते हैं ना कि मेरी रजा में राजी रहो, और हम क्या करते हैं, हम मांगते होते हैं गुरु जी ऐसा कर दो वैसा कर दो। पर मैं सच में बता रही हूँ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, जब भी मैंने पहले नादानी में गुरु जी से कभी कुछ मांग के कोई चीज लिया, वो हमेशा मुझे दुख देकर गई है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कभी भी कुछ मांगो मत गुरु जी से, फिर सिर्फ गुरु जी को मानो। और प्रॉब्लम से कभी नहीं डरना, प्रॉब्लम से उल्टा खुश रहो कि गुरु जी ने आपको अपने करीब रखा है। अगर आपको उन्हें वो फुटप्रिंट्स वाला मैसेज, शायद हम सब जानते हैं, जो व्हाट्सएप पे भी आता है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू गुरु जी, बस एक भगवान का एक मैसेज है जो मैंने ये बहुत पहले बचपन में पढ़ती थी और सुनती थी, कि जब हमारे जब एक एक बंदा होता है और जो अपनी लाइफ की जर्नी को पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे दिखता है कि उस दो पैर के निशान साथ में चल रहे हैं, दो जनों के पैर के निशान उस बीच के सैंड पर साथ में दिख रहे हैं। लेकिन सडनली वो देखता है कि जब उस वही उसकी लाइफ के मतलब वो लाइफ देख रहा है, अपनी पीछे की लाइफ जब देख रहा है, तो उसको दो निशान देख रहे हैं, उसका खुद का है और एक साथ में उसके भगवान चल रहे हैं। पर जब उसकी लाइफ का जो रफ पैच दिखता है, तो उसको लगता है कि इसमें तो एक ही पैर का निशान है, तो दूसरा कहाँ गया। तो वो भगवान से शिकायत करता है कि जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तो आप मेरे साथ थे नहीं। तो भगवान जी उसको कहते हैं कि आप देखो, उस समय सिर्फ मेरे पैर के निशान थे और आपको तो मैंने गोद में धारण करके रखा हुआ था। वैसे ही हैं गुरु जी के फंडे, गुरु जी भी वही करते हैं। प्रॉब्लम में गुरु जी हमें अपने गोद में अपने बच्चे की तरह बिठा लेते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और उस समय वो आपको एक चांस दे रहे हैं सबसे ज्यादा नाम स्मरण करने का, ये चांस को मत गवाइए। हमेशा ये सोचिए, मतलब ये नहीं कह रही हूँ आप प्रॉब्लम मांग मांग के लो, ये भी नहीं मांगना, ये गुरु जी से कुछ मांगना ही नहीं है, गुरु जी को तो मानना है ना, ना प्रॉब्लम मांगनी है ना सुख मांगना, कुछ नहीं मांगना, गुरु जी को सब पता है उनको क्या कब देना है। हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं या आगे हमारे साथ क्या, गुरु जी तो जान ही जाने, उनको तो सब पता है। अपनी जिंदगी की डोर हमें उनके हाथ में सौंप देनी चाहिए। एक और सत्संग मैं करना चाहूंगी, जो फिलहाल मेरे ब्रदर की छोटी सी बिटिया है जो 27th को 2 साल की हुई है। मेरी भाभी को प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, उसे टीबी हो गई थी। वो एक्चुअली उसका एक पहले भी मिसकैरेज हो चुका है, तो हमें नहीं उम्मीद थी कि इस बार भी ये बेबी बॉर्न होगी। और अब हम तो इंसान हैं, इंसान की तरह सोचेंगे, हमें लग रहा था हम नेगेटिव हो गए, पर फिर आशा की किरण हमारे गुरु जी कहीं ना कहीं से दर्शन देते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ इंडिकेट करते हैं, ड्रीम दर्शन में इंडिकेट करते हैं या फिर फ्रेग्रेंस से इंडिकेट करते हैं। कभी बटरफ्लाई दिखाते हैं, कभी स्नेक दिखाते हैं, कभी पीकॉक दिखाते हैं, या कोई ना कोई शब्द सुनने में मिल जाते हैं। गुरुजी की गाड़ी दिखती है, और बॉम्बे में तो गुरुजी की गाड़ी दिखना बहुत रेयर है, जैसे दिल्ली में हर थोड़ी देर में आपको गुरुजी की गाड़ी रास्ते पर दिखती है, पर यहाँ पर बॉम्बे में स्टिकर लगी हुई, गुरुजी का स्टिकर लगी हुई गाड़ी बहुत मुश्किल से दिखती है। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं गुरुजी हमारे साथ हैं। तो यही हुआ कि भाभी की प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा पेनफुल थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सी बिटिया जो कि इतनी इंटेलिजेंट भी है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, बिल्कुल गुरुजी की ब्लेस्ड चाइल्ड है। और बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल जब आंखें खोलती थी तो गुरुजी की फोटो देखती थी, गुरुजी का स्वरूप देखती थी, और ऐसे उनको देखती रहती थी, बिल्कुल गुरुजी की बच्ची है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा अमृत जो हम बोलते हैं, गुरु जी के स्वरूप में अमृत वर्षा होती है, तो
हमारी घर में जो एक बहुत बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप, वो भी हमने मांगा नहीं था। बॉम्बे के किसी सत्संग में एक अंकल ने ऐसे ही मुझे कह दिया, आंटी आपके लिए। मतलब मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन था कि मेरे बिना मांगे गुरुजी ने इतना बड़ा स्वरूप दे दिया। और मैं सोच भी रही थी कि गुरुजी का स्वरूप तो छोटे छोटे स्वरूप है, मुझे हॉल के लिए बहुत बड़ा सा स्वरूप मैं सोच रही थी मुझे मिल जाता, और गुरुजी ने अपने आप उसे अपने घर हमारे घर में भेज दिया। और वो स्वरूप में अगर हम देखते हैं तो अमृत आया हुआ है, अमृत वर्षा हो रखी है। 2012 में जनवरी में हमने जब नए नए बॉम्बे में सत्संग शुरू हुए थे, तो हमारे घर में जब गुरु जी का सत्संग होना था, तब एक संगत है भरत कपूर अंकल, जो कि अब बॉम्बे में नहीं है, वो फिल्म लाइन से रिलेटेड है। सो सत्संग 12 बजे शुरू होना था। संडे आफ्टरनून्स को हम रखते थे, पहले कुछ ही संगत होती थी बॉम्बे में, और महीने में एक संडे होता था। तो जनवरी में 12 जनवरी को हमने अपने घर में सत्संग रखा हुआ था, और वो अंकल 12:15 बजे घर आ गए। और उन्होंने आते ही कहा कि यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल, मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए। तो ठीक है, वो आके ध्यान में बैठ गए। जब यूजुअली जैसे हम करते हैं, हमने शब्द सुने, फिर उसके बाद मंत्र जाप हुआ, आरती हुई, फिर सत्संग शेयरिंग जब हो रही थी, तो वो अंकल ने मुझे कहा था कि मुझे सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा जी अंकल, आप प्लीज गो अहेड। तो अंकल ने जो कहा वो सुनकर तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। अंकल ने कहा कि कल रात को मैं सो रहा था, और मैं जनरली सत्संग में जाता नहीं हूँ, या तो मैं बड़े मंदिर जाता हूँ। दिस इज 2012, ठीक है, ये गुरु जी के समाधि के 5 साल के बाद की मैं बात बता रही हूँ, कि जो जो संगत ये सुन रही है कि या ये मानती है कि एक समाधि लेने के बाद कैसे क्या, प्लीज डोंट हैव डाउट्स इन योर माइंड। गुरु जी अब भी हैं और हमेशा रहेंगे हमारे साथ, पहले भी थे, और ब्लेस करते रहेंगे हमें। तो वो अंकल ने कैसे क्या कहा कि 12:15 बजे कल रात को मैं सो गया, और 12:30 बजे जब मेरी जैसे किसी ने थप्पड़ मारकर मुझे जगाया नींद से, तो मैंने देखा कि गुरु जी खड़े, वो अंकल भरत कपूर अंकल ये नरेट कर रहे हैं हमारे घर में सत्संग के टाइम पर, कि गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा कि तू सत्संग में नहीं जाता, मुझे नहीं पसंद आता कि तू सत्संग में नहीं जाता, तो अब कल जो सत्संग हो रहा है मलाड में, जो हमारा घर है मलाड एरिया है बॉम्बे में उधर है, तो कल जो सत्संग हो रहा है मलाड में मैं जाने वाला हूँ और तुझे वहां आना है। तो अंकल ने गुरुजी को कहा जी गुरुजी मैं जरूर चला जाऊंगा। तो वो अंकल जब घर आए और समाधि में बैठे, और जब सत्संग खत्म हुआ उन्होंने ये शेयर किया, आप मानोगे नहीं कि कितनी बड़ी खुशी की बात है कि जैसे गुरुजी ने खुद बुलवा दिया कि मैं वहां जाने वाला हूँ और तुझे जाना है, यानी कि गुरुजी साक्षात आते हैं सत्संग में, हमारे घर भी आए। तो इतनी खुशी की बात होती है जब कोई संगत ऐसे आपको बताती है कि आपसे रिलेटेड कि एक प्रूफ, एक प्रैक्टिकल, जैसे गुरुजी ने कहा ना, मैं गुरुजी के यहाँ कोई प्रवचन तो होता नहीं था ना, हम सब जानते, तो गुरुजी ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जो कि आज उषा आंटी का जो ये था, जो वचन जो उन्होंने भी हमें बताया, यही मतलब निकलता है कि गुरुजी हर चीज हमें करके दिखाते हैं। और वैसे मैं मेडिकल बैकग्राउंड की होने की वजह से हमारे माइंड्स में ये सुपरस्टिशंस और ये सब नहीं होता है, तो गुरु जी कहीं ना कहीं तो जानते थे ना कि जब मैं इससे साक्षात दर्शन नहीं दूंगा तो ये मानेगी नहीं, तो उनके चोला छोड़ने के पहले ही शायद उन्होंने मुझे बुला लिया और दर्शन देकर ये दिखा दिया कि देखो मैं हूँ और मैं ही हूँ। और कोविड के टाइम्स में जैसे हम सब ने देखा, बहुत सारी समस्याएं आई, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, गुरुजी की असीम कृपा हमारी फैमिली पर रही कि दोनों ही वेव्स जो गई वो बिल्कुल स्मूथली चली गई। फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज हमारे किसी भी फैमिली मेंबर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
कोई कमी नहीं छोड़ी गुरु जी ने, जबकि हम काम छोड़कर घर पे बैठे हुए थे, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं आई। और गुरु जी ने इस तरह से सब किया कि पेरेंट्स को कोविड हो जाएगा इस डर से, मतलब हम अगेन इंसान हैं, इफ्स एंड बट्स करते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ रखी थी कि कहीं मैं बीइंग अ डॉक्टर बाहर से कोई इन्फेक्शन घर में ना ले आऊं, कहीं मेरे पेरेंट्स को और ये छोटी सी जो भाई की बिटिया है इनको कुछ ना हो जाए, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ रखी। पर जो होना था तो इन्फेक्शन होना था, पेरेंट्स को भी कोविड हुआ, तो भी उन्होंने इतने हल्के से सिम्टम्स में उसे टाल दिया कि बिल्कुल ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। सेकेंड वेव होने के बाद और उनकी जिद थी हम वैक्सीन नहीं लेंगे, गुरुजी ने नेचुरल इम्यूनिटी इस तरह से कर दी कि वायरस वाली जो भी स्ट्रेन आई, जो भी हल्की फुल्की स्ट्रेन आई, कि उनको इम्यूनिटी भी मिल गई विदाउट वैक्सीनेशन और उनको हेल्थ में कुछ फर्क नहीं पड़ा। सो ये सारी जर्नी में जब गुरुजी ने प्रैक्टिकल हर चीज करके दिखाई, तो ये बिल्कुल साफ है कि गुरुजी कितने मर्सीफुल हैं। लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, मैंने एमडीएस का जो सत्संग तो किया आपको, उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे और आगे बढ़ाया। गुरुजी ने मुझे पीएचडी भी कराई। अब सिचुएशन ऐसी थी कि 2017 में पीएचडी का एक एंट्रेंस एग्जाम होना था ग्रेटर नोएडा में, एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो बिना किसी प्रिपरेशन के जस्ट वेंट कि मुझे पता नहीं करनी भी थी या नहीं करनी थी, आई वॉज नॉट श्योर। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लेट मी गिव इट अ ट्राई, जाके एग्जाम देने में क्या जाता है। जैसे एमडीएस के टाइम पे मैं फॉर इट थी कि नहीं मुझे करनी ही है, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था, क्योंकि अब मुझे पता है जो देना है गुरुजी ने देना है। पहले तो मैंने मांगा था, लेकिन अब मैंने मांगा नहीं। अब की बार मैंने बोला ठीक है, एंट्रेंस पास हो गई तो ठीक है, गुरुजी ने करानी होगी करा लेंगे, नहीं करानी नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं। मैं तो कैजुअली जाके एंट्रेंस अपियर करके आ गई, और शाम को मैंने अपनी फ्रेंड है ज्योति आंटी दिल्ली में, वो संगत है, तो उनके साथ उनके घर गई और फिर बड़े मंदिर गई। और वहां पर ये भी एक सत्संग है, वहां पर गुरुजी ने उस दिन बड़े मंदिर में लंगर में करेला खिलाया। 2017 में फरवरी, 4 फरवरी की बात है, मेरी एंट्रेंस एग्जाम के बाद की बात है। अच्छा, उस समय गुरुजी ने जब ये कह रखा था कि कोई ज्योतिषी वगैरह के चक्करों में मत पड़ा, मैंने नहीं, तब से मैंने, जब से वो एक बुक थी जो गुरु जी की, एक सुखमणि आंटी ने जो बुक लिखी थी, उसके अंदर जितनी सारी बातें थी मैं अपनी लाइफ में अमल करना शुरू हो गई थी, तो मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को मानना छोड़ दिया था। बट बाय द वे कहीं पर मैंने ये पढ़ लिया कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी बहुत बड़ी ब्लड रिलेटेड और ब्लड सेल्स से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बीमारी जो कि इनक्योरेबल होगी, वो मुझे फरवरी, दैट इज 4th month फ्रॉम माई बर्थडे, वो मुझे होने वाली है। सो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चल रहा था। फिर मैंने सोचा ठीक है, गुरु जी हैं, मुझे क्या करना, हो जाएगी हो जाएगी, गुरु जी ने जो करना होगा, जितनी लाइफ लिखी होगी कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर पीएचडी भी है, मैंने सब कुछ सौंप रखा था गुरु जी के पास, कि मैंने कुछ नहीं ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। इनक्योरेबल डिजीज सोच के कहीं ना कहीं मन तो हिल जाता है, बट हाँ इंसान हूँ मैं भी, इंसान मेरा भी मन हिला। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूँ, पर फिर मैंने सोचा अब बड़े मंदिर जा रही हूँ ना, गुरु जी संभाल लेंगे। वैसे ये एक भी बात है कि जब मैं मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम बड़े मंदिर जाकर ही बने, ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है कि जब भी कोई काम अटके तो बड़े मंदिर गुरु जी बुला लेते हैं और वहां से काम बनना शुरू हो जाता है। सो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम था, शाम को बड़े मंदिर गई और एग्जाम क्लियर हो गए। अब ये बीमारी वाली जो बात थी कि शायद कुछ होने वाला है, वो भी करेला खिला के गुरु जी ने पहले खून साफ कर दिया, तो वो भी क्लियर हो गया। इसके अलावा जब पीएचडी में कुछ कोर्स वर्क नाम की चीज होती है, जिसमें आपको कुछ समय, जैसे आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हो, कुछ समय आपको यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, तो मई के महीने में
दिल्ली की गर्मी, हम बॉम्बे वालों को उतनी गर्मी नहीं होती महसूस और बर्दाश्त कि जितनी दिल्ली वाली होती है, तो आदत नहीं है उतनी गर्मी की। और एक हॉस्टल में रहना, भले एसी हॉस्टल है जो भी है, पर कहीं ना कहीं ये कॉलेज में जहाँ मैं कोर्स वर्क कर रही थी, तो मुझे वो सुकून तो नहीं था जो बॉम्बे में था। बट ऑफ कोर्स, बट गुरु जी मेड श्योर कि वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक कर लेते हैं। तो टू माई सरप्राइज, जिस हॉस्टल में मैंने अकोमोडेशन ली हुई थी, उस हॉस्टल की एक तरफ गुरुद्वारा था और एक दूसरी तरफ बिल्कुल लग के शिव जी का मंदिर था। तो गुरु जी इस तरह से ब्लेस करते हैं, हर चीज में गुरु जी का प्रेजेंस होता है। जब मैं कोर्स वर्क कर रही थी तब भी मेरे डाउट्स थे कि ये तो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, पीएचडी करना जरूरी है क्या, वहाँ तेरी प्रैक्टिस है और तू 20 दिन दिल्ली आके बैठी हुई है, वहाँ तेरे पेशेंट्स हैं, 20 दिन का लॉस, 20 दिन की प्रैक्टिस खत्म, ये करना जरूरी है क्या। और फिर गुरु जी आंसर देते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें स्मूथली निकल गई। और आज सिचुएशन ऐसी है कि मेरी पीएचडी की थीसिस भी सबमिट हो गई और मंदिर बंद था इतने टाइम पर। जब मैं पीएचडी की थीसिस सबमिट करने गई, तब से बड़े मंदिर 2 दिन पहले से ही फंक्शनल हुआ मुझे दर्शन करने का, गुरु जी ने मौका दिया। और मैं जितनी बार इस दौरान 2017 से 22, ऑफकोर्स 2 साल तो लॉकडाउन के चक्कर में मंदिर भी बंद था, लेकिन उसके आसपास भी जब भी मैं गई तब मुझे समहाउ बड़े मंदिर बुलाया नहीं गुरु। बट आई एम सरप्राइज्ड कि जिस दिन मेरा थीसिस सबमिट होना था उसके एक दिन पहले गुरु जी ने मंदिर जरूर बुलाया। तो बहुत सारे बिगड़े हुए काम गुरु जी ने बनाए हैं लाइफ में और ऐसी ऐसी एक्सपीरियंसेस दिए हैं, बट कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म पर अब भी नहीं शेयर कर सकती। बट यस, गुरु जी को अगर आप एक दोस्त की तरह रखो अपने, या हर रिश्ता आप रख सकते हो गुरु जी के साथ, हर रिश्ता आप चाहे उन्हें माँ समझो, फादर समझो, एक दोस्त समझो, जिंदगी का लाइफ पार्टनर समझ लो, जो समझना है आप गुरु जी को समझ लो और एक एक श्रद्धा रखो। और जैसे मुझे तो गुरु जी ने समाधि लेने से जस्ट एक दिन पहले जैसे मैसेज किया था, श्रद्धा रखो और श्रम करो, मैं तो समझ गई हूँ कि लाइफ में हार्डवर्क तो बेटा तुझे करना ही पड़ेगा और श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज महाशिव जी है ना नाराज हो जाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल श्रद्धा रखते हुए, श्रम करते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रही हूँ एंड आई एम श्योर आप सब भी उतनी फेथ रखेंगे और रखते होंगे, क्योंकि गुरु जी बहुत ज्यादा मर्सिफुल हैं और इतना इतना जैसे शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं, थोड़ा सा उनको प्यार कर दो और वो इतना ज्यादा आपको प्यार करेंगे। जैसे मैंने कहा, जब मैंने फर्स्ट टाइम का मेरा जो मुझे याद है एक शब्द जिसमें ये आता है कि तुम एक कदम बढ़ाओ वो 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, सच में गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा अपने संगत को प्यार करते हैं। गुरु परिवार ही सच्चा धन है और बहुत हेल्पफुल है। मैंने कई सत्संग सुने हैं जिसपे घर वाले नहीं काम आए लेकिन गुरु परिवार काम आया। मेरे खुद के साथ लाइफ में कुछ ऐसे किस्से हुए जिसमें घर वाले काम नहीं आ पाए पर गुरु परिवार के सदस्य थे, जो संगत थी, जो हमारे काम आए। एक सत्संग और मुझे याद आता है कि गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, गुरु जी हमारे बीच में हैं। एक आंटी का सत्संग था कि बहुत फेंटली मुझे याद आ रहे हैं, आई एम सॉरी अगर उसमें मैं कोई भूल चूक कर दूं, कि एक आंटी बहुत रात को ऑटो रिक्शा से कहीं जा रही थी, अपने घर जा रहे थे और सडनली वो ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया उनके साथ और अंधेरी सी सड़क पर उनको कहीं ऐसी जगह लेकर जाने लगा जो उनके लिए रिस्की था। सडनली ऑटो रिक्शा वाले ने रेयर व्यू मिरर में देखा और उनसे गुरु जी नजर आए होंगे, तो वो रास्ता जो गलत ले जा रहा था और सडनली फिर वो सही रास्ते पर आ गया और जब आंटी को सेफली घर पहुंचा दिया और आंटी ने कहा तुम तो मुझे बहुत गलत रास्ते पे लेकर जा रहे थे फिर सडनली तुमने ये क्यों किया, तो ऑटो रिक्शा वाले ने उनसे कहा कि
मैंने देखा कि आपके साथ एक बुजुर्ग से इंसान बैठे हुए हैं जो कि जिनके सिर पर बाल नहीं थे, और उन्होंने सडनली कहा कि तू ठीक से उसे घर पहुंचा। अब मुझे वो नहीं दिखाई दे रहे, वो आपके साथ में आए थे क्या? मुझे ध्यान नहीं कि आप किस परीक्षा में बैठे थे क्या, और अब नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल हैं गुरुजी के साथ कि हमें नहीं पता होता कि गुरुजी कहाँ कहाँ साथ देते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते हैं, आज भी लेते हैं। 90% कर्मा हमें बचा लेते हैं, सिर्फ 5 या 10% कर्मा हमें भोगने होते हैं। और हम मानिए इतने ज्यादा ब्लेस्ड सोल्स हैं कि जो गुरु जी महाशिव जी की शरण में है, इससे ज्यादा हमें जिंदगी में आपकी चाहिए क्या? धन दौलत इत्यादि आता है जाता है, लेकिन गुरु जी ने जो हमारे हमारे कर्म काट के अपने चरणों में रखा हुआ है, इससे बड़ी और कौन सी ब्लेसिंग हो सकती है? आप जरा सोच कर देखिए, कई बार ऐसे होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि कौन से कर्म कब कट जाते हैं। अनेकों एक्सीडेंट से गुरु जी ने मुझे बचाया, अनेकों बार नई लाइफ दी है। इवन फॉर दैट मैटर, मैं नाम की डॉक्टर हूँ, अपने आप को डॉक्टर नहीं मानती, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ऑपरेट कर रही होती हूँ तो मैं नहीं ऑपरेट कर रही होती सॉरी तो मुझे ये पता है कि गुरु जी मेरे थ्रू काम कर रही होती। मैं तो एक मीडियम हूँ, मुझे ये एहसास होता है कि हाथ मेरे नहीं चल रहे होते, गुरु जी चला रहे होते। तो बिल्कुल जैसे गुरु जी कहते थे, 1-to-1 कनेक्शन करिए, सरेंडर करिए। गुरु जी हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्लीज हैव फेथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। रिंकू आंटी, आपने बहुत ब्लिसफुल डिवाइन संगत क्षेत्र की है गुरु परिवार के साथ। बिल्कुल ठीक मैसेजेस मिले हैं कि मैं प्रैक्टिकल करके आना। हाँ जी अंकल, गुरु संगत ही असली परिवार है। बिल्कुल सही वचन सही रूप में संगत के थ्रू गुरुजी कहलवाते हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए पूजा कपूर आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ पूजा आंटी। अंकल, एक 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 सिर्फ एक्सपीरियंस, आज सुबह का ही एक्सपीरियंस, मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आंटी प्लीज गो अहेड। जय गुरुजी। हाँ जी, जय गुरुजी। हम ये कहते हैं कि गुरुजी अपने भक्तों को नींबू की तरह निचोड़ते हैं, वो हमें टेस्ट करते हैं, जरूर करते हैं। पर मेरे केस में मैं ये भी कहूंगी कि मैंने, आई एम सॉरी बट आई शुड कन्फेस दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि मैंने गुरुजी को बड़ा टेस्ट किया है। मतलब कोई भक्त भगवान की परीक्षा लेता है, भगवान तो पक्का भक्त की परीक्षा लेता है, लेकिन कोई भक्त भी भगवान की परीक्षा लेता है क्या? मतलब मुझे नहीं पता, पर मैंने हमेशा गुरुजी को टेस्ट किया है, हमेशा गुरुजी को ऐसी सिचुएशन में डाला है कि आई एम सॉरी गुरुजी, जो भी मैंने किया है कई कई जगह पर आई वॉज रॉन्ग, और कई जगह पर मैंने सीरियसली टेस्ट किया है। पर आज सुबह गुरुजी ने मुझे किस तरह से टेस्ट किया, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दैट एग्जाम्पल। मैं फिलहाल बॉम्बे में नहीं हूँ, फैमिली के साथ एक आउटिंग के लिए हम थोड़ा बाहर आए हुए थे, और सडनली एक बंदा मेरे सामने आता है। और कई सत्संग हम ये भी सुनते हैं कि गुरुजी किसी भी रूप में हमारे सामने आते हैं, तो कई बार ये ऐसा होता है कि कई फेक लोग भी आते हैं हमारे सामने और हमें लगता है कि गुरुजी तो नहीं आ गए। अब ये बंदा मेरे को मेरे फेस रीडिंग करके मुझे कई चीजें ऐसे बताने लगा जो कि सही थी, और बिल्कुल वो ये बताने लगा कि मैं क्या हूँ, क्या था, ये था, वो था, जो भी उसने मुझे बताया। बिल्कुल कहता है कि आपको ना ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मुझे सीरियसली लगने लगा, मैंने उससे यही पूछ लिया कि आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तो कहता है कभी कभी ऊपर वाला पर वो मुझे ये जब कहने लगा कि तुम्हें ये अंगूठी पहननी चाहिए, ये स्टोन पहनना चाहिए, तब मुझे याद आया कि गुरु जी ने हमें ये अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए कहा था। आप जानेंगे कि पहली चीज मेरे मुंह से निकली
कि मैं जिनको मानती हूँ उन्होंने मुझे मना कर रखा है, मैं ये सब नहीं करूंगी, आप प्लीज जाइए, मुझे नहीं सुनना ये सब। और मेरे मुंह से ये निकला। और सीरियसली कभी कभी हो सकता है ये भगवान की परीक्षा, गुरु जी की परीक्षा होगी, मैं इस एस्ट्रोलॉजर को, जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर था या जो भी था, या आई डोंट नो, गुरु जी सामने खुद आए थे, आई सीरियसली डोंट नो, पर कुछ टेस्ट पक्का लिया मेरा आज सुबह। पर मैंने सिर्फ यही कह दिया कि मैं जिनको मानती हूँ वो ये सब नहीं मानते, मैं नहीं करूँगी ये सब। सो आई डोंट नो इफ आई वाज राइट और रॉन्ग, बट ऐसे मैंने गुरु जी की भी बहुत बार परीक्षा ली है। एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है कि हम स्वरूप में अमृत, जो मैंने कहा मेरे जो घर में, जो भाटिया आंटी ने जो स्वरूप मंदिर में लगाया हुआ है उसमें भी अमृत वर्षा हुई है। मेरे बड़े वाले जो स्वरूप मैंने हॉल में जो लगाया हुआ उसमें भी अमृत वर्षा हुई है। एक स्वरूप ऐसा था जिसमें अमृत आया था और सडनली जब सत्संग होने वाला था, मम्मी ने ये कहा कि ये वाला स्वरूप ना जब संगत होगी तो ये तो कैसा है कि हाथ में लेते हैं, वो वाले स्वरूप तो माउंटेड है, दीवार पर है, तो वो तो नहीं निकाल के दिखाएंगे, ये वाला स्वरूप हम संगत को सर्कुलेट करेंगे कि देखो इसमें अमृत है। सो हमने ये सोचा कि जब सत्संग होगा घर में तो हम ये दिखाएंगे। आप मानोगे नहीं गुरु जी इतने मजाकिया हैं, गुरु जी ने उस स्वरूप में से अमृत हटा दी। उस दिन बिल्कुल उस स्वरूप में अमृत नहीं दिख रहा था। एंड जब सत्संग खत्म हो गया उसके 2-3 दिन के बाद, फिर मम्मी ने कहा कि ये स्वरूप में अमृत कहाँ से आ गया। मतलब गुरु जी आपकी बहुत अच्छे से टेस्ट ले रहे होते हैं और मजाक भी बहुत करते हैं और बहुत अच्छे से आपका मतलब जहाँ आपकी मर्जी होती है ना वहां वो आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे, वो अपनी ही मर्जी चलने देंगे और आपको इसीलिए अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर।